भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं, यदि यह ब्रह्मास्त्र उत्तरा पर गया, जिसको स्वयं ही पुत्रवती होने का वरदान मिल चुका, फिर पुत्रवती होने का भी, फिर पुत्रवती होने का भी आशीष पा चुकी उत्तरा है, फिर पुत्रवती होने का भी आशीष पा चुकी उत्तरा है, मुझसे मामा की भांजी है, मुझसे मामा की भांजी है, साधी है सती उत्तरा है। बंधुओं, जिस समय भगवान को ये विचार आया, भगवान एकदम ललकार करके कहने लगे, ब्रह्मास्त्र महाभारत वाली, ब्रह्मास्त्र महाभारत वाली ने दो मत विजय हमारी को, ब्रह्मास्त्र को ललकारा। आज भगवान कन्हैया ने उस ब्रह्मास्त्र को ललकारा, ब्रह्मास्त्र महाभारत वाली में तो मत विजय हमारी को। अरे वारे ब्रह्मास्त्र, तू मेरी विजय को अपने हाथ में लेना चाहता है, मेरी विजय को अपने नाम लेना चाहता है। ब्रह्मास्त्र महाभारत वाली में तो मत विजय हमारी को, यदि गए वहां तो पाओगे, यदि गए वहां तो पाओगे उस चक्र सुदर्शन धारी। ऐ ब्रह्मास्त्र, यदि तुम उत्तरा के गर्व की ओर को गए तो समझ लेना ये चक्र सुदर्शन धारी वहीं मिलेगा। भगवान को रोष में आकर ही ये सब बोलना पड़ा, निश्चय ही ब्रह्मास्त्र का, निश्चय ही ब्रह्मास्त्र का बल हो गया बेकार, पार्थ हंसे अब भी हुए विजयी नंद कुमार। ब्रह्मास्त्र को जो तत्व था भगवान कन्हैया ने नष्ट कर दिया। अस्थस्थामा से प्रकट बोल उठे नंदलाल, जा तू बन बन में फिरे क्षुदित हजारों साल। अस्थस्थामा को श्राप दिया भगवान कृष्ण ने, जा तो जंगल में जाकर के हजारों वर्षों तक भूखा और कंगाल घूम। देता हूं तुझे दंड ऐसा, भगवान कहने लगे अस्थस्थामा, देता हूं तुझे दंड ऐसा, पड़ता है रह जिंद घानी भर, देता हूं तुझे दंड ऐसा, मरता ही रहे जिंदगानी भर, पश्चाताप की ज्वाला ने, यूं पश्चाताप की ज्वाला ने जलता ही रहे जिंदगी भर। श्राप दे दिया भगवान ने उस अस्थस्थामा को, जिस मणि से गुरुपुत्र का चमक रहा था भाल, क्योंकि मणि थी उसके मस्तक पर, जिस मणि से गुरुपुत्र का चमक रहा था भाल, ली कृपाण की नोक से बह मणि तुरत निकाले। Thank you.
भगवान कन्हैया ने अस्थस्थामा के मस्तक से उस मणि को निकाल लिया। गई उस समय कृष्ण की दृष्टि व्यास की ओर, गई उस समय कृष्ण की दृष्टि व्यास की ओर, अरे धीरे से कह रहे थे जय श्री नंद किशोर। बंधु, इस प्रकार से अस्थस्थामा की मणि भगवान ने ले ली और उधर वेदव्यास जी महाराज ने भगवान कृष्ण का जयकारा पाया। जब ये सब कहानी शांत हो चुकी, धृतराष्ट्र कहने लगे, जिस भीम ने मेरे 100 बेटों को मारा है, मैं उस भीम को देखना चाहता हूं, वो कैसा बलवान है। भगवान कन्हैया ने जब ये विचार जाना, धृतराष्ट्र भीम को देखना चाहते हैं, तो प्रभु ने क्या किया, एक लौह मूर्ति भीम की तैयार की। और जब लौह मूर्ति भीम की तैयार हो गई, उस लौह मूर्ति को ले जाकर के धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया और कहा, लो ये भीम तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे बंधुओं, सचमुच ही उस समय सचमुच ही कुरुराज ने कर्म किया अति क्रूर, लिपटे ऐसे मूर्ति से मूर्ति हुई सब चूर। लौह मूर्ति को धृतराष्ट्र ने जिस समय अपनी बाहों में भरा और जिस समय कस करके दबाया, तो वह लौह मूर्ति एकदम चूर्ण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान ने इसीलिए लौह मूर्ति बनवाई थी, यदि भीम धृतराष्ट्र के समक्ष जाते और धृतराष्ट्र ऐसे ही पकड़ के दबाते, तो समझ लो भीम भी चकनाचूर हो जाते। अंधे राजा की आंखों, अंधे राजा की आंखों पर अपराधी भीम भयानक था। अंधे राजा की आंखों में, अंधे राजा की आंखों में अपराधी भीम भयानक था। इसलिए कि वही दुशासन, इसलिए कि वही दुशासन दुर्योधन का संहारक था। दुशासन और दुर्योधन को मारने वाला भीम ही तो है ना, यही तो उनको खटक रही थी। प्रतिशोध लालसा पूरी, समझ गए धृतराष्ट्र, मैंने भीम का खात्मा कर दिया। प्रतिशोध लालसा पूरी की, लड़कर इस भांति ब्रकोदर से, प्रतिशोध लालसा पूरी की, लड़कर इस भांति ब्रकोदर से, पर छुपान उसका मनोभय, पर छुपान उसका मनोभाव श्री कृष्ण चंद्र योगेश्वर से।
बंद हो। वैसे तो उनको शांति होगी कि मैंने भीम का वध कर दिया है, लेकिन बारे भगवान कन्हैया ना माना उनका मन, जैसे तैसे कृष्ण ने किया नपति को शांत, होना था जो हो गया अब न हुई ये भांत। शांति दिलाई और कहा अब जो कुछ होना था वो हो गया, अब मत इतने दुखी हो। उधर विदुर के संग थी गांधारी बेहाल, आंखों से झर रही थी उर अंतर की ज्वाल। उधर विदुर जी महाराज के साथ में गांधारी, गांधारी के अंतर आत्मा की ज्वाला जल रही है जैसे उसमें कोई घी डाला। भक्तो ढाढ़स देने यहां भी, धृतराष्ट्र को तो ढाढ़स बंधाया ही भगवान कृष्ण। अब पहुंचे गांधारी के पास, ढाढ़स देने यहां भी आए यदुकुल कांत, करना चाहा उन्होंने गांधारी को शांत। कृष्ण गांधारी को समझाने के लिए पास में आए, लेकिन भक्तों उस पर शोक समुद्र को बे भी सके न पाट। अरे ही न उनकी सब युक्तियां गांधारी ने काटे। अरे थी उनकी सब युक्तियां गांधारी ने काट। बोली अपने पास ही, क्या कहने लगी जाता है, बोली अपने पास ही रखो अपना ज्ञान, इस पर हत्याकांड के कारण तुम्हें प्रधान। अरे इस सब हत्याकांड के कारण तुम्हें प्रधान। कहने लगी ये अपना तो उपदेश अपने पास ही रखो, मैं सब कुछ जानती हूं, इस नरसंहार का कारण तुम बताओ। अर्जुन को किसने किया रण के लिए तैयार, अरे गीता के उपदेश का क्या था यही संसार। ओ गीता के उपदेश का क्या यही था सार। कहने लगी बताओ अर्जुन को युद्ध के लिए किसने तैयार किया, गीता के द्वारा जो तुमने उपदेश दिया इनको क्या यही था। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, भद्रे क्यों हो भूलती। कहने लगे योगेश जी महाराज, भद्रे क्यों हो भूलती, बोल उठे योगेश
शांति दूत ने प्रथम ही दिया शांति उपदेश। बोलो, सर्वप्रथम मैंने शांति दूत बनकर के जो शांति का संदेश दिया था तुम्हारे पुत्रों को, वो कौन था? लेकिन यह कटु सत्य भी उसको लगा प्रलाप। भक्तो, जैसा कैसेट का नाम है गांधारी का शाप, जरा विचार करें, भगवान कृष्ण ने गांधारी को समझाना चाहा, लेकिन उस समय उसके पुत्रों के मरने की याद हृदय में समाई थी। भगवान योगराज को भी शाप दे डाला। क्या कहती है? लेकिन यह कटु सत्य भी उसको लगा प्रलाप। अरे दे डाला आवेश में याद आवेश को शाप। दे डाला आवेश में याद आवेश को शाप। ए कृष्ण, सुनो मेरा शाप है तुम्हें। कुरकुल की नाई यदुकुल भी, कुरकुल की नाई यदुकुल भी सत्कर ही बुद्धि नष्ट होगा। सुनो कन्हैया, जैसे मेरा वंश नाश को प्राप्त हो गया, कुरकुल की नाई यदुकुल भी सत्कर ही बुद्धि भ्रष्ट होगा। लड़ लड़ कर एक दूसरे से, लड़ पड़ कर एक दूसरे के यादव प्रत्येक नष्ट होगा। कुरकुल की नाई यदुकुल भी, कुरकुल की नाई यदुकुल भी सत पर ही बुद्धि भ्रष्ट होगा। लड़ लड़ कर एक दूसरे के, लड़ लड़ कर एक दूसरे पे यादव प्रत्येक नष्ट होगा। एकदम श्राप दे डाला भगवान कन्हैया को, कहने लगी और सुनो, तुम भी निज कुल ललनाओ। जैसे मैं अपने पुत्र वधुओं के साथ में विलाप कर रही हूं कन्हैया, उसी तरीके से तुम भी निज कुल ललनाओं को। तुम भी निज कुल ललनाओं को यदुनाथ बिलखता देखोगे। तुम भी निज कुल ललनाओं को यदुनाथ बिलखता देखोगे। जगह अपनी आंखों के ही आगे, अपनी आंखों के आगे ही अपनों को मिटता देखोगे। गांधारी ने शाप दे डाला प्रभु को। योगेश्वर के अधर पर नाच उठी मुस्कान, सोचा मन में है मुझे पहले ही से ज्ञान। क्या दे डाला? जिसका मैंने पहले से ही ज्ञान प्राप्त किया था। बोल उठे फिर प्रकट में इस प्रकार घनश्याम, हो जाता दोपहर तो आती ही है शाम।
भगवान कहने लगे ठीक कहती हो, जब दोपहर होता है तो शाम तो आना ही आना है ना। समझाया श्री व्यास ने सबको विविधि प्रकार, विधि पूर्वक करवा दिया पूर्ण मृतक संस्कार। वेदव्यास जी महाराज ने सबका संस्कार करवाया। आइए भक्तों, ये थी गांधारी के साप की कथा जो भगवान कन्हैया को साप था। आइए उन्हीं भगवान योगेशराज योगराज के चरणों में दो लाइन प्रेम के साथ में स्मरण करें। महाभारत के तुम हो प्राण, महाभारत के तुम हो प्राण, धन्य है तुम्हें कृष्ण भगवान। महाभारत के तुम हो प्राण, महाभारत के तुम हो प्राण, धन्य है तुम्हें कृष्ण भगवान। जिस पर कृपा तनिक कर देते, जिस पर कृपा तनिक कर देते, बनता वही महान, धन्य है तुम्हें देश भगवान। भरी सभा में रखी तुमने द्रुपद सुता की लाज, भारी सभा में रखी तुम द्रुपद सुता की लाज, रण में साथ रहे पांडव के किए पूर्ण सब काज। बने द्वारिका नाथ कहाँ कर, बने द्वारिका नाथ कहाँ कर, बने द्वारिका नाथ कहाँ कर, अर्जुन के रथबान धन्य है तुम्हें कृष्ण भगवान। महाभारत के तुम हो प्राण, धन्य है तुम्हें कृष्ण भगवान। बंधु भक्त, मेरा पता पाने के लिए कन्हैया कैसेट के द्वारा पता करते हैं। आओ इस कैसेट में मैं अपना पता बता दूं आपको। नाम तो जानते ही है मेरा, द्वारिका सिंह यादव, 8 आवास विकास कॉलोनी शाहजहांपुर। मेरे साथ में कर्नेट बजाते हैं मास्टर सरताज औरंगाबाद सीतापुर, ढोलक बजाते हैं छन्ने बारिश जयरामपुर सीतापुर, घड़ा बजाते हैं ओम प्रकाश सिंह यादव गौरा सीतापुर, मजीरा शत्रुघ्न सिंह यादव खैराबाद गोपालपुर सीतापुर, और झीका सुरेश सिंह यादव दुदियापुर मानपुर सीतापुर।
महाभारत के तुम हो कान, धन्य है तुम्हें कृष्ण भगवान। संध्यात्मा को निर्भय पहुँचे तुम्हें पुरुषा भावीचे, गिरफ्तार कर सके न तुमको शकुनि सरीखे नीचे। दिया मोह में फंसे पार्थ को, दिया मोह में फंसे पार्थ को, तुमने गीता ज्ञान, धन्य है तुम्हें कृष्ण भगवान। धर्मराज को बना दिया आखिर तुम्हें राजेश, कभी विराग हुआ सुनवाया दादा का उपदेश। व्यास रूप में अश्वमेघ का रचवा दिया विधान, धन्य है तुम्हें कृष्ण भगवान। महाभारत के तुम हो कान, धन्य है तुम्हें कृष्ण भगवान। महाभारत के तुम हो कान, धन्य है तुम्हें कृष्ण भगवान। प्रेम से बोलो वृंदावन कृष्ण चंद्र की।